हाँ डैडी जी, ओके डैडी जी। नहीं वो मसाले का ऑर्डर पहुंच गया डैडी जी। अरे कब लाएगा खाना, जल्दी जल्दी लाओ, भूख लगी है वो। आज आज ये क्या फिर से थेपला? मुझे उपमा खाना था, उपमा कल सुबह बना। अरे कल सुबह तो मुझे खाखरा खाना है। अरे अरे कहाँ लेके जा रही है, रख दे रख दे, बहुत भूख लगी है, यही खा लूंगी अभी। गोपू, अरे गोपू, तेरी बात का बहुत असर पड़ गया है इस घर में। अपनी अपनी बहुएं लाने के लिए और रसोई में इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है अपने पतियों को जताने के लिए। ऐसी बात नहीं है बा, ऐसे भी वो तीनों काम करती ही है। कांतीड़ा रेवा दे, रेवा दे, ये सब दिखावा चे दिखावा। बच्चों ने खाना खाया? तो कहां तक पहुंची अपनी अपनी बहुएं ढूंढने की खोज? कुछ मामला आगे बढ़ा या नहीं? बापूजी, मैंने तो महेश के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अच्छा, राजकोट के प्रताप दवे की बेटी है, वहां उनका पेंडे का बहुत बड़ा बिजनेस है। पेंडा? बस एक बार महेश हाँ कर दे। अरे पर लड़की भी तो हाँ कहनी चाहिए ना। कल महेश राजकोट जा रहा है। तो तू हमें राजकोट से जोड़ेगा। अच्छा है, और तुम दोनों का क्या है? बापूजी, मैंने जामनगर में बात चली। और तूने क्या किया है मानर? तुझे शादी नहीं करनी अपनी बेटी की? जाओ, कोई लड़की मिली नहीं? ढूंढ लूंगा इन दोनों की तरह। और मेरी बात याद है ना, तीनों बहुएं गुजराती ही होनी चाहिए, और तीनों बहुओं को मैं पर्सनली मिलूंगा, और मेरा फैसला आखिरी रहेगा। ग्यारह बजे का वक्त दिया था और अब 12 बज चुके हैं, मैडम का कुछ पता ही नहीं है। इंतजार कर रहे हैं ना हम तो। ओए, ये देखो हमारी मेहनत का कमाल, हमारी न्यूज़ फ्रंट पेज पे आई है। ओए मुंडे, की गल है, तुम खुश क्यों नहीं हो? और वैसे मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया और तुम आ गए। 11 बजे बुलाया था ना तुम्हें मैंने। सॉरी यार, वो घर पे थोड़ा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। वेट अप। वैसे घर पर लड़की देखने की बात चली है। जा। और मुझे लड़की देखने के लिए राजकोट जाना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने घर वालों को बता देना चाहिए? कम ऑन यार, और कितने दिनों तक छुपाते रहोगे तुम? एक्चुअली मंजीत, घर पर गुजराती लड़की देखने की बात चली है। तो फिर पंजाबी लड़की से प्यार क्यों किया? Come on यार, not again। मुझे मम्मी पापा का दिल रखने के लिए वहाँ जाना होगा। इस जैसे formality हो, तुम्हें जानती हो। मैं तुमसे ज्यादा ना तुम्हारे मम्मी पापा पर यकीन करती हूँ। उनके सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है कि नहीं? देखो मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती, तुम प्लीज उन्हें बता दो। सॉरी सॉरी, मैं वक्त देखकर बात कर लूंगा। प्लीज। और एक गल तू भी सुन ले सोनिया, मेरी शादी तो तेरे नाल ही होगी, एंड जस्ट ट्रस्ट मी फॉर दैट। आई ट्रस्ट यू ऑन दैट। और एक गल तू भी सुन ले मुंडे, मेरे सिवा किसी और के साथ मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा या जी काका ने कुछ कहा ना, तो तुम्हें इस फटफटिया पे बिठा के भगा के ले जाऊंगी मैं।
अरे माँ माँ क्या कर रही है वहाँ? वो महेश राजकोट जाने की तैयारी कर रहा हो, तुम यहाँ गेम खेल रहे हो, छोड़ ना। अरे क्या किया माँ, अच्छा खासा गेम चल रहा था, हमेशा की तरह नंबर वन आउट करवा दिया ना। आउट ही हो जाओगे और वहाँ वो महेश और रोहित की शादी तय हो जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा माँ, तू टेंशन मत ले। लो, मैं टेंशन ना लूं? अरे मुझे तो उस कोकी का अभिमान तोड़ना है। कैसा अभिमान? पैसे वाली बहू लाने का। जा तोड़ दिया। कैसे? तुझे बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। अरे पर तुम करने क्या जा रहे हो? माँ तू इतनी चिंता मत कर, तू सिर्फ रुक जा, देखती जा आगे आगे होता है क्या। बस अब और कुछ मत पूछना और अपने बेटे पे विश्वास रखना, ठीक है? एक और बात, ये बात आपके और मेरे बीच की है, किसी को मत बताना। महेश भैया जा रहे हैं इसलिए सब बाहर इकट्ठा हुए हैं। आ रहे हैं, चल माँ चलते हैं बाहर, चल ना। महेश को दही निकलेगी। आखिर ये समीर करने क्या जा रहा है? देखो महेश, तुम वहां जा रहे हो तो हमारे घर का रुतबा और वट बनाए रखना, जानकी से मिलना, लेकिन ज्यादा पूछ पूछ मत करना। सब बराबर ही है, सब बराबर है। वो लोग अमीर घर से हैं और बहुत मॉडर्न विचारों वाले हैं, बस वो लोग तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी जा, हम तैयारियां शुरू करते हैं। ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, कार लेकर जाना। कहाँ? गाड़ी क्यों, हवाई जहाज ले जाना, वो भी मंगवा देगी तेरी माँ अपने डैडी से। चलो महेश, बड़ों के आशीर्वाद लो। जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, नुक्कड़ से ज्वाइन करूंगा। थैंक गॉड। सदा खुश रहो। तो मैं भी खिलाती हूँ, ये लो। भगवान करे मेरा बेटा जिस काम के लिए जा रहा है पूरी तरह से सफल होकर आए। स्वीटू, नाना पेरिस से जो परफ्यूम लाए थे वही लगाया है ना? अरे कितना हैंडसम दिखता है मेरा बच्चा। चलो लेट हो रहा है, चलो चलो मैं। चल, बाय। आओ जे दिख रहा। ऑल द बेस्ट। संभल के जाना। अब तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास? अब दोस्त के पास जाना बंद करो, अपना कुछ काम करो। काम ही तो दिला रहा मेरा दोस्त, बस उसी सिलसिले में जा रहा था। ठीक है जी। अभी कहाँ रह गए थे इतनी देर से तू? अरे जी काका ने पकड़ लिया था यार। चल लेट हो जाएंगे। चल 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 चल, मुश्किल हो जाएगी। चल। रंगीली होगी रात। भाभी भाई आइए, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरे महेश का समझो नक्की हो ही गया। सच कहती हो कोकी, और अब तो वो 5 लाख रुपए भी तुम्हारे ही हुए ना। रुपए तो ठीक हैं,
पर बड़े घर की बेटी की सास होना उससे भी बड़ी बात है। क्या करें, मेरा स्टेटस ही कुछ ऐसा है। डोंट फील बैड, हाँ? आपको मेरा कुछ काम था भाभी? भाभी मुझे ही बुला लेती। कोकी, अगर मैं तुम्हें बुला लेती तो वो तुम्हारे स्टेटस के खिलाफ हो जाता ना। भाभी, आप भी। वैसे कोकी, मैं ये सोच रही थी कि मेरे समीर के लिए किस बड़े घर का रिश्ता कबूल करूं। हाँ, और आपको बड़े घर का रिश्ता मिलना भी तो चाहिए ना। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन आजकल के माँ बाप सब कुछ पूछ कर ही अपनी बेटी का हाथ देते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा कहना भी सच है। मैं भी कहाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गई थी। आखिर सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना। अब देखो ना, गया है महेश तुम्हारी पसंद की बहू लाने। भाई, नसीब है तुम्हारा, ये लो मेरे बेटे के लिए। तुम्हारे बेटे के लिए? हाँ, महेश भी तो मेरा ही बेटा है ना। डोंट फील बैड, हाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। समीर, तू ही को सोचना यार। स्वैपिंग, अदला बदली। मैं समीर नहीं हूं। मैं कुछ समझा नहीं समीर। समीर तू है। समीर मैं? और मैं महेश। क्या बातें कर रहा है यार? अरे यार सुन, तू ये चाहता है ना कि ये लड़की देखते ही तुझे रिजेक्ट कर दे? हाँ। तू चाहता है कि ये रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाए? बस इसलिए मेरे भाई मुझे वहां जाकर तेरा काम बिगाड़ना ही होगा, और फिर तेरे को आसानी से मंजीत मिल जाएगी, ठीक है? नहीं 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 यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं, क्या यार, तू बात सुनना। तू इतना टेंशन क्यों लेता है? तू वैसे भी उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, है ना? फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है, मान ले मेरी बात। यार मुझे तो मंजीत भाभी का टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा उनका। अच्छा लगा वो मंजीत को भाभी कहना, अच्छा लगा। डन, जो तो कहे डन। लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वहां पे जाके सब कुछ नेगेटिव करोगे तुम। कूल, टेंशन नहीं है, मैं हूं ना। देख, आज से तू समीर और मैं महेश। हाँ। देखते जा तेरा भाई क्या क्या जादू करता है। मंजीत, समीर, मंजीत का फोन है, तू चल मैं आता हूं। हेलो, हाय बेबी। जी हाँ, लेकिन ये कैसा हिसाब है? सारे के सारे अकाउंट्स गलत हैं। आप एक काम कीजिए, उस अकाउंटेंट से कहिए मुझसे अभी आकर मिले।
ऐसे अंदर कैसे चले आए? उन्होंने कहा आप मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं आपका अच्छा, तो आप वही हैं जिन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़? जी हाँ, गड़बड़। देखिए, आपने जो कुछ भी किया है मैं पापा को सब कुछ बता देने वाली हूँ। आपकी चोरी मैंने रंगे हाथों पकड़ ली है, समझे? और क्या आप देख नहीं सकते, मैं पूजा कर रही हूँ। बीच में आ गए और मेरी मेरी सारी पूजा बिगाड़ दी। अब हटो। अरे हटो। ओफो, कैसे फंसा दिया है मेरे धागे को। हाँ, जरा संभाल के। आपने मुझे कच्चे धागे से बांध दिया है, कहीं टूट ना जाए। Don't act smart, okay? Okay. बेटी, वो accountant आ गया है। Accountant? तो फिर ये कौन है? मैं बताता हूँ। मैं घी वाला। महेश घी वाला। कांतीलाल घी वाला का बेटा। अहमदाबाद से। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी। जिधर हो दोनों बैठो 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 प्लीज। आप दोनों में से महेश कौन है? जी, महेश मैं हूं। ये मेरा कजिन है समीर, मुझे कंपनी देने के लिए यहां आया है। अच्छा किया, क्यों नहीं, बैठिए। आओ बेटे वरुण। ये है वरुण, मेरी बड़ी बेटी वंदना का हस्बैंड। वैसे मेरे दामाद हैं, लेकिन मेरे बेटे से कम नहीं। मेरे साथ ही रहते हैं और यहाँ का सारा कारोबार संभालते हैं। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बैठिए। बैठिए। इतना बड़ा कारोबार दामाद संभालता है, बढ़िया है। मजे हैं साडू भाई के। बस अब थोड़े दिन और साडू भाई, फिर इसके बाद से सारी जिम्मेदारियों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। कांति भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी मेरा मतलब है कि महेश के पापा, मेरे काका। आओ बेटा। ये है जानकी, मेरी छोटी बेटी। और ये है वंदना, मेरी बड़ी बेटी। बस एक बार ये जानकी हाँ कह दे तो ये सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम। अब तो हम भी इस घर के जमाई राजा बनने वाले हैं।
और चलो थोड़ा बहुत इस वरुण को भी दे दूंगा। भला आदमी लगता है बेचारा। महेश बेटा, तेरा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? तूने तो सीधा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया भाई मेरे। ये समीर कब गड़बड़ करेगा और कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा? गड़बड़ तो मैं करके रहूंगा महेश, लेकिन ऐसी गड़बड़ जिससे तू भी खुश और मैं भी खुश। तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा महेश, और मुझे जो चाहिए वो तो मेरे सामने है। बस तू अब देखता जा। आओ ना बेटा, बैठो। महेश जी, महेश अंकल तुझे पूछ रहे हैं, जवाब देना। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि कांति भाई का इतना बड़ा कारोबार छोड़कर तुमने जर्नलिज्म क्यों चुना? जी अंकल, मैं जिंदगी में कुछ डायनेमिक करना चाहता था। चाइल्ड लेबर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, गरीबों पे अत्याचार। अंकल आप जानते हैं, ये गरीब लोग थोड़े से पैसों में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, और ये महलों में रहने वाले अमीर लोग इन बेचारे गरीबों का शोषण करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इन्हीं शर्मनाक हरकतों को लोगों के सामने लाने के लिए मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, ताकि मैं लोगों की तकलीफ लोगों के सामने ला सकूं। बस रिश्ता तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, फसाएगा ये समीर। बहुत नेक विचार है बेटा, वरना आजकल इन लाचार लोगों के बारे में कौन सोचता है। मरवाएगा क्या? बड़ी बड़ी बातें हांक रहा है, हम यहाँ पर बात बिगाड़ने आए हैं, संभालने नहीं। अरे याद है मुझे यार, मौका तो मिलने दे, आते कैसे शुरू हो जाओ। हेलो हेलो, मैं कांतिलाल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ कांति, बोल बोल। प्रताप भाई, महेश ठीक से पहुंच गया ना? हाँ दोनों पहुंच गए ठीक से, नाश्ता कर रहे हैं दोनों। हाँ महेश और समीर दोनों। समीर वहां क्या कर रहा है? समीर वहां गया है? पूछिए ना उनसे, वो क्या कर रहा है वहां? अरे उनसे कैसे पूछ सकते, एक मिनट। हेलो प्रताप भाई, महेश से बात करवाइए ना। हाँ क्यों नहीं, अभी पता चल जाएगा। महेश तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं।